राहुल गांधी जिंदाबाद 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 बहन सरजा कुमारी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के द्वारा फतेहाबाद में निकाला गया रोष मार्च, किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस ने रोहतक में लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की उठाई मांग। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह की अगुवाई में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। फतेहाबाद के रेस्ट हाउस से लघु सचिवालय पहुंचे कांग्रेस ने जमकर की नारेबाजी। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह का कहना, किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। प्रदर्शन के दौरान भी कांग्रेस में नजर आई फूट। हुडागुड के माने जाने वाले दोनों पूर्व विधायक रहे गैर मौजूद। एडीजी द्वारा ज्ञापन लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेसी। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज फतेहाबाद में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। गाड़ियों में सवार होकर कांग्रेसी लघु सचिवालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम फतेहाबाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के द्वारा एडीसी को ज्ञापन देने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में धरना भी दिया गया, जिसके बाद एडीसी नीचे आए और कांग्रेसियों से ज्ञापन लिया। फतेहाबाद में प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने कहा कि रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आज उसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि जिन लोगों ने किसानों पर लाठी चलाई उन पर कार्रवाई की जाए। जी आपका क्या कुछ है? आज कार्यक्रम हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं डीसी साहब को। जो लाठी चार्ज हमारे किसान भाइयों पे हुआ है रोहतक में 3 तारीख को, उसके खिलाफ बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उन पे अत्याचार हुआ है और जिन्होंने भी ये लाठीचार्ज किया है, जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। तो बाकी जो 3 काले कानून अभी तक रद्द नहीं हुए, 3 काले कानून अभी तक रद्द नहीं हुए, 4 महीने के करीब हो गए हमारे किसान भाइयों को वहाँ बैठे दिल्ली बॉर्डर पे और वो केस बनाए जा रहे हैं झूठे। तो हर तरह से किसानों की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश ये सरकार कर रही है और नीचे यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है जो बहुत ही निंदनीय है, उसके खिलाफ हम ज्ञापन राज्यपाल महोदय को डीसी साहब के थ्रू भेजे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन है क्या जी? आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा इस लाठी चार्ज के विरुद्ध जो रोहतक में हुआ है हम ज्ञापन दे रहे हैं हर जिले में। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।